हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के सीरियल काबे एक जज्बा एक जुनून के बारे में। ये सीरियल को शाम के टाइम स्लॉट पे करा गया था लॉन्च। सुम्बुल तौकीर थी सीरियल की मेन फीमेल लीड और मिशकट वर्मा मेल लीड। और यही चीज़ सुनने के बाद ऑलरेडी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। जब शो स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब से ही इस शो की काफ़ी हाइप बन गई थी। सीरियल स्टार्ट हुआ और सोनी टीवी के हिसाब से जो कि डिसेंट टीआरपी थी 0.4 के राउंड की लेकर आया था, और फिर 0.3 मोस्टली हर हफ्ते शो की टीआरपी होती है और सोनी के प्राइम स्लॉट वाले सीरियल्स भी इतनी लाते होते हैं। लेकिन इस हफ्ते हमें इस शो की टीआरपी में डिक्लाइन देखने को मिला है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है। सुम्बुल तौकीर का यह सीरियल इस हफ्ते 0.3 से कम होकर 0.2 पर गिर गया है और इसके टीआरपी में ये फॉल हमें इस हफ्ते देखने को मिला है, ये डिक्रीज देखने को मिला है। सोनी टीवी पे जब तक सीरियल्स 0.3 की टीआरपी लेकर आते हैं सोनी टीवी उनको कुछ नहीं करता, यानी कि सेफ ही रखता है। लेकिन जैसे ही कोई शो 0.2 पर गिरता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके ऑफर जाने के फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए काव्या के कोई भी ऑफर के चांस नहीं है, सीरियल कंप्लीटली सेफ है। लेकिन हाँ, टीआरपी का 0.2 पे गिरना डेफिनेटली एक अच्छा सिग्नल नहीं है, एक अच्छा साइन नहीं है। तो जो भी इस शो के फैंस हैं आप लोग ट्राई करिएगा कि आप इसको ओरिजिनल टाइम स्लॉट पे सोनी टीवी पर ही देखिए एंड अवॉइड करिए देखना इसको ओटीटी वगैरह पर, बिकॉज फिर टीआरपी पे इफेक्ट पड़ता है और टीआरपी अब शो की गिर रही है। मे बी आने वाले हफ्तों में फिर से 0.3 पे आ जाए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइए, फिर से 0.3 तक पहुंचेगा, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, ये भी बताइए। क्या लगता है इस हफ्ते डिक्रीज क्यों हुई होगी? अगर आपने लास्ट वीक जो था 2023 का, यानी कि प्रीवियस वीक की टीआरपी अब तक नहीं देखी सारे शोज़ की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए ताकि सारे सीरियल्स की और सारे चैनल्स की परफॉर्मेंस आपको पता चल जाए। और सारी अपकमिंग काव्या के अपडेट्स न्यूज़ पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन, ताकि आप कोई भी अपडेट बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।